तो गाइस हमारे घर पे आया नन्ना मेहमान। ओए इसको भूख लग रही है, मम्मी खिला रहे इसको। राम 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 सबको राम राम। आजमा को देखो, और ये लाली दीदी की मम्मी है। गुड्डू राम राम करे, गुड्डू गुड्डू राम राम करे, राम राम करे। और ये इसके परी के पापा, परी जे का इशू, डेडू मार छोरी डेडू री सिखाओ दी है जो डेडू री। गाइस गुड्डू खाना खा रही है, आरू खिला रही है इसको खाना, और कुछ भी खा रही है। इधर देख गुड्डू इतना गुस्सा, बिना फालतू नाटक कर रही है लड़की। मम्मी बना रही है हमारी रोटी। राम राम तो कर चुके हैं शायद ये, पहले मनराज भी आए थे कर ली राम राम तो। मैं करता हूँ आप लोगों से गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हो आप सब। और आज के वीडियो में 2K लाइक होने चाहिए, 2K 101%। मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, ये मम्मी बोलेगी दोबारा बताओ मुझे राम राम सबको राम राम। जदे आज ना 2000 लाइक होने चाहिए अपनी वीडियो पे आज भी। हां तो 2000 लाइक होने चाहिए गाइस, फिर ब्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे हम, हमारे को अच्छा लगता है। दीदी और तो पढ़ाई कर रहे हैं, मॉर्निंग टाइम है उनकी, क्लासेस चल रही है। देखो इधर खाना खा लो फिर पढ़ लेना बाद में, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो गाइस घर पहुंच गया हूं मैं, मैं लेके आया हूं दूध, सोहन पपड़ी जो कि हमारे घर वालों को सबको बहुत पसंद है, और दो नारियल लेके आया हूँ, तरबूज रखा है कट के, ठंडा हो रहा है, मस्त लगेगा ये। और गाइस अभी क्या सीन हुआ, मैं जो नारियल पानी लेने गया था तो वहाँ पे एक बच्ची थी, तो वो जो फल फ्रूट्स वाला है तो उसने जो वेस्टेज होते हैं ना जैसे अंगूर वगैरह सड़े हुए, तो वो बच्ची उनको ले रही थी, मुझे देखा नहीं गया यार। तो उसको मैंने 30 रुपीज़ के तो अंगूर दिलाए और 20 के केले दिलाए उसको बनाना, बहुत दुख हुआ मुझे, गिल्टी फील हुआ एकदम से उसको देखा था, इसलिए मैं उसको दिला के लाया हूँ। और आप ऐसे मत सोचना कि मैं दिखावे के लिए कह रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि आप लोग गंदे गंदे कमेंट करते हो, मतलब बहुत सारे होते हैं जो गलत कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और सोन पपड़ी खा लो गाइस देसी घी की, तो अपन लोग तो खा लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए बिकॉज वो नहीं ले पाते उनकी चीज़, जो भी खाते हैं अपन तो खा लेते हैं। हाँ अपना लो नहीं, और मुझे लेटे हुए हैं इधर लगू उठा मैंने। अरे यार उठा ही नहीं सकेगी तू। देखो गुड्डू कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, कौन तैयार करा आपको बेटा, इससे थोड़ी सी बड़ी गुड़िया थी वो। गुड्डू किसने तैयार किया आपको? ये भी बजे 4:30 से बता रही थी, मम्मी बना रही चाय। और हमारी जो कोठियाँ हैं तो इनके कलर करेंगे आज, इन्हें तो ब्लैक ब्लैक आ रहा हूँ। ये सामने दिख रही है अनाज की, गेहूँ के लिए था, इनके कलर करने के लिए वो अंकल है राजू अंकल वो आ रहे हैं। तो गाइस देखो अभी आए हैं इतने सारे पार्सल फ्लिपकार्ट से, माय गॉड इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, और ये किधर कहाँ गया वो? कितना सुंदर कवर आया है वन प्लस के लिए, बिकॉज आरू का हो गया ये, रख दो इसको। चलो गाइज इनको खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइज एक एक करके खोलते हैं इनको जल्दी से। तो गाइज देखते हैं क्या क्या आए हैं हमारे पार्सल। ये तो बेडशीट आई है गाइज। चलो लेट्स गो। कलर कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना, और इसको भी खोलेंगे अभी। गुड्डू कैसी लगी बेडशीट? अच्छी अच्छी लगी। और आरू जी खोल रहे हैं इसको, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस क्या पता इनसे खुलेगा भी या ना खुलेगा। खुल गया, जल्दी से खोलो यार आरू यार, वेटिंग हो रही है। इसमें सोफे कवर है मेरे हिसाब से, तो गाइस सोफे कवर आ गए फाइनली। आप लोग बोल रहे थे कि जल्दी से सोफे कवर मंगवा लो, थोड़ा दूर को इसको लग जाएगी उड़ के, जल्दी से सोफा मत काट दी तू। तो गाइस को समझा दे तो सोफे काट दे कहीं अपने नुकसान है। हाँ सोफे कवर ही काट दे, क्या भरोसा। वाओ ब्यूटीफुल, मस्त लगे यार गाइस, अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और बहुत सॉफ्ट भी है मुझे लग रहा है। पिल्लो कवर कहाँ है इसमें, मंगवा भी लिया क्या आपने? वाह यार आरू
तो गाइस ये देखो हमारे आ चुके हैं सोफे के कवर, अच्छे लग रहे हैं मुझे वैसे तो। बाकी आप लोग जरूर बताना कमेंट में कैसे लगे। और सेम टू सेम पिल्लो कवर भी मंगवाए हमने, और मुझे लगता है कि साइज वाइज आ गए हैं या नहीं आए। परफेक्ट है, एक बार लेके आओ, जाओ पिल्लो लेके आओ। इसको खोलो ना, किधर से खुलेगा? हाँ ये रहा। तो गाइस देखते हैं कैसे हैं पिल्लो कवर। एक ला दे, एक पहले आप वो तो दिखाओ, छोटे हैं यार थोड़े से। तो चाहिए ये बड़े हैं साले, बहुत ज्यादा बड़े हैं गाइस, ये बहुत ज्यादा बड़े हैं। ये नहीं आएंगे, बिकॉज नहीं आएंगे और फट जाएगा वो, फालतू में रिटर्न कराना पड़ जाएगा अपने को। नहीं आएगा, मान जाओ मान जाओ, इसके नाप के आएंगे गुड्डू। इसको वापस पैक करो, ये रिटर्न होंगे गाइस। दे दिया है बार। नहीं अभी तो गए भैया, वापस रिटर्न अपने को। वो काट दी, अरे यार गुड्डू पागल देखे तू बेटा, यार ये गुड्डू बहुत शैतान हो गई गाइस, को समझाओ यार। हाँ इस पे सोएंगे अपन, हाँ इस पे नहीं लगाएंगे बेटा। वापस इनको पैक करो और रिटर्न करते हैं इनको वापस गाइस, बिकॉज हमारे जो पिल्लो कवर है बहुत अच्छे बनाए हैं उन लोगों ने, और साइज भी बहुत ज्यादा बड़ी बना दी उन्होंने। लेकिन क्वालिटी के हैं, ऐसी बात नहीं यार, क्वालिटी के हैं। इनके अंदर जो भी फॉर्म वगैरह है बहुत ही मस्त है। चलो मौज हो गई है। और सबसे बेस्ट, तो सबसे बेस्ट जो चीज लगी है वो ये है गाइस, ये इससे बोलते हैं बेस्ट। क्या मस्त कवर है यार बाबा यार। चलो गाइस तो ये आए हैं फ्लिपकार्ट से, और तो कुछ नहीं आए, तो इनको रिटर्न करना पड़ेगा। अभी से आप लोगों को बता देते हैं हम, क्योंकि ये छोटे मंगवा लिए इन्होंने, और वास्तव में है होते इतने ही है पिल्लो कवर, बिकॉज ये पिल्लो भी ज्यादा बड़े हो गए हमारे तकिए। बेडशीट ये है, बेडशीट को खोल लेते हैं एक बार, तो बेडशीट भी देख लो आप लोग। ये बेड शीट तो कपड़ा तो अच्छा है इसका। ये पिल्लो कवर है बेस्ट, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है यार अरुण। ये भी तो गाइस बहुत अच्छी आई है बेड शीट। बेड शीट के बारे में कोई मंगाई है मैंने, हाँ ये वरना इनको करनी पड़ती थी, बिकॉज इन्होंने इसके अरुण ही कर रखी है गाइस, ये जो पहले वाली है ना इसके, तो बहुत अच्छी लग रही है बेड शीट। बेड शीट कितने की आ रही है? 400 की। तो गाइस बहुत अच्छी है, कमेंट करके जरूर बताना कैसी है। गुड्डू तो क्या खबर दे दी? तो गाइस इधर चल रही है पढ़ाई लिखाई, ऑनलाइन क्लासेस, ये सबसे बेस्ट है। ये इसके हाथ में क्या, अब तक क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है। और ये कवर की जो पॉलिथीन आई थी इसको हाथ में पहन के रखी है। तो गाइस छत पे चलते हैं, मम्मा कलर करवा रहे हैं, वो भाई साहब आए हैं तो कलर करने वाले, राजू अंकल देते हैं मैंने पहले पास में, तो वो कलर करवा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कलर पिछले साल का, ये तो खराब हो चुका है, ये देखो ये खराब हो गया, तो न्यू लेके आए हैं, इसके अंदर न्यू लेके आया हूँ मैं। ये देखो इसमें अभी तो प्राइमर हुआ है या नहीं, तो पहले करी, पहले हो गया इसमें। अच्छा वो थोड़ी थोड़ी जगह छूट रही थी उसमें हो गया, और ये न्यू वाली कोटी पे कर रहे हैं, तो बहुत मस्त कलर कर रहे हैं राजू अंकल भाई। राजू भैया को फेमस, ये हमारे राजू अंकल है, इसके भी करवा लिया हमने साथ के साथ ही, क्योंकि ये बहुत काम में आती है, क्योंकि आपने सीढ़ियों पे देखा होगा पहले। यहाँ कहीं मम्मी यहाँ कहीं, अच्छा नहीं मैं आ जाऊंगा लेने। अच्छा गाड़ी पे नहीं जाओगे तो कल काम पे? काम पे नहीं, तो एबीसी आ जाती है ना। हाँ हाँ, अजमेर से कौन जाना हो गाड़ी लेके किसी की। यार राजू अंकल थे यार टैलेंटेड थे, तो गाइस राजू अंकल टैलेंटेड है, इनके लिए कमेंट करना। तो गाइस अभी बजे हैं 5:30 या 6 बजने वाले हैं, और मैं जा रहा हूँ बेसन लेने, बिकॉज आज सब जिम बनाएंगे हमारे। बेसन गट्टे गट्टे बनाओगे क्या यारू? बेसन गट्टे बनाएंगे, और मेरा लुक कैसा लग रहा है वो कमेंट में जरूर बताना। और ये चल रहे हैं इधर लहसुन, और दीदी और पढ़ाई कर रहे हैं, और आज शनि महाराज के भी जाएंगे हम, आज शनि आ रहे हैं, तो आज शनि महाराज के और हनुमान जी महाराज के जाएंगे हम बजरंगबली के, बिकॉज जो मेरे सबसे मतलब मेरा इष्ट है मेरा बजरंगबली, सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ बजरंगबली को, और बाकी सभी भगवान को मानता हूँ। तो गाइस आप कौन से भगवान को मानते हो वो भी कमेंट में बताना। तो चलते हैं अभी जल्दी से लेके आते हैं, वरना ये भी बोलने लग जाएंगी। तो गाइस हम आए हैं बाबा के,
ये देखो सामने है बजरंगबली जी और इधर है सनी महाराज, जो कि मैंने ब्लॉग में बोला था। और ये वन प्लस में क्लियर नहीं बन पा रहा वीडियो, आईफोन नहीं है घर पे। वो दीदी और खा रहे हैं परिक्रमा। वो देखो सोना दी लाली दीदी, ये परिक्रमा खा रहे हैं। जय सनी देव। चलो हमने तो खा लिया परिक्रमा और अब घर पे मिलेंगे गाइज, वापस चलते हैं घर। तो गाइज घर पहुंच गए हैं और आरू ने जो ड्रेस डाली थी वो पिंकी दीदी के, तो उन्होंने ये सिले हैं, ये लहंगा, और बहुत मस्त किस्मत लेके आई थी आरू के लिए गिफ्ट जो ये सिल के आ चुके हैं। और आरू बना रहे हैं हमारे लिए कुछ स्पेशल, तो देखते हैं क्या स्पेशल बना रहे हैं। देख सकते हो आप ये क्या है, मैं खा के देख लेता हूँ थोड़ा सा। तुम्हारे बहुत टेस्टी बनाया इसने। अब देखो यार, मतलब जिसकी अच्छा है, मतलब बुराई करते हैं तो बुराई बता। मैंने तो नुस्ख ला, मुझे कुछ भी नुस्ख नहीं लगा। ये लॉलीपॉप का रही आते बुड्डू बाबू आते मस्त है। लहंगा मस्त है। तो गाइस पैर वेर धो लेते हैं हम। तो गाइस खाना खाने का टाइम हो चुका है और हमारे बने बेसन कट्टे, क्योंकि आरू से खुद से पूछते हैं कि कैसे बने। बकवास, ये तो बकवास बताएगी, बिकॉज इसको बनाना है पता है। हाँ बताओ कैसे बने, मस्त बने। मैं भी खा लेता हूँ ये छाछ के तेल लड़के ने। तो गाइस आरू ने कर लिए हैं बर्तन साफ, तो सब्जी बहुत अच्छी बनी।